हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन। और फ्रेंड्स, अब आज हम आपको एक न्यू अपडेट्स के साथ इस वीडियो के माध्यम से जोड़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे जिक्र किया था कि जिन लोगों के जो रिज़ल्ट आए हैं अभी दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के, जिनके रिज़ल्ट अच्छे नहीं हैं, कहने का मतलब अपेक्षा के अनुरूप मार्क्स नहीं मिले हैं, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छे आंसर्स लिखे, लेकिन उतने अच्छे नंबर नहीं आए, तो आपके पास ऑप्शन है अपनी कॉपियों का पुनः मूल्यांकन कराने का, री इवेल्युएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। या फिर अगर आप अपनी कॉपियों की फोटोकॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रोविज़न है इग्नू में। तो ये अलर्ट्स के अंदर ये लिंक दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें आपको करना है, क्या क्या प्रोविजन्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये लिंक का होम पेज है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, एक नए पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर री इवेल्युएशन एंड कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। और इस पोर्टल पे फिलहाल जून और दिसंबर दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए ये फैसिलिटी उपलब्ध है। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको ज़रूर आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और कुछ जो बेसिक चीज़ हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। सबसे पहले तो ये कि जब आप इस चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि रीवैल्यूएशन या फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपके पास आपका वैलिड इग्नू का आइडेंटी कार्ड होना चाहिए, आपका एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, आपका प्रोग्राम होना चाहिए, कहाँ आपने एग्ज़ाम दिया है, यानी एग्ज़ाम सेंटर क्या कोड है, वो सब चीज़ें आपको आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। फिर जो तो फ्रेंड्स, जो आपको फोटोकॉपी मिलेगी आपके आंसर स्क्रिप्ट की, वो आपके ईमेल आईडी के माध्यम से ही भेजी जा सकती है, या फिर बाय पोस्ट भी भेजी जा सकती है। दोनों ही ऑप्शन यूनिवर्सिटी ने अपने पास रखे हैं, जहाँ जैसी सुविधा होगी उसके अनुरूप आपको इसमें आपकी फ़ोटोकॉपी मिलेगी। और देखिए, इसके बाद इसमें जो जनरल इंस्ट्रक्शन वाला पेज है उसको देख लेते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ये आपके काम की है, इसमें पूरी डिटेल दी हुई है। तो ऑलरेडी इसका हमने वीडियो बनाया था, अगेन एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूँ क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जो रिवैल्यूएशन आपको कराना है अपनी कॉपियों का, उसकी जो फीस है 750 रुपये है, जिसका भुगतान आपको ऑनलाइन मोड पे करना है। 750 रुपये पर पेपर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सपोज आपने 5 पेपर का एग्ज़ाम दिया है, उसमें से 2 कॉपियों का आप रिवैल्यूएशन कराना चाह रहे हैं, तो फिर 750 × 2 यानी कि आपको 1500 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। और और रिजल्ट निकलने के 1 महीने के अंदर आपको रीवैल्यूएशन का फॉर्म भर देना है। और जिस दिन आपका रिजल्ट निकलता है उस पर्टिकुलर पेपर का, उस दिन से 1 महीना काउंट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर रीवैल्यूएशन के बाद आपके जो वेटर मार्क्स होंगे, कहने का मतलब रीवैल्यूएशन के बाद अगर आपके नंबर बढ़ते हैं तो ये नंबर कंसिडर किए जाएंगे। इनकेस नंबर आपके घट जाते हैं तो जो रिजल्ट में नंबर डिक्लेयर हैं, ऑलरेडी डिक्लेयर हैं, वो कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। तो ये इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन है। 30 दिन के अंदर आपको रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट का रिजल्ट मिल जाएगा इनके अकॉर्डिंग। और जो ये रिवैल्यूएशन की प्रक्रिया है, ये केवल थ्योरी के लिए है, आप इसमें असाइनमेंट का रिवैल्यूएशन नहीं करा सकते, प्रैक्टिकल एग्जाम का नहीं करा सकते, लैब कोर्स का नहीं करा सकते, वर्कशॉप, सेमिनार, प्रोजेक्ट, इन सब चीज़ों का वाइवा वोशे है, इन सब का आप रिवैल्यूएशन नहीं करा सकते, केवल थ्योरी के एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है। फिर जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, तो इसकी फ़ीस जो है 100 रुपये पर पेपर है, और रिजल्ट निकलने के 45 दिनों के अंदर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगी, जो इग्नू की वेबसाइट पे है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, वही कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरह से ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ये बताना आपको ज़रूरी था। बाकी डिटेल्स इस फाइल पे मौजूद है, आप देख लीजिएगा, कहीं किसी तरह की अगर दिक्कत हो तो इसमें कुछ ईमेल आईडीज और नंबर भी दिए हुए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वापस मैं आ गया हूँ होम पेज पे। तो यहाँ पे आप जैसे ही सबमिट करेंगे, आई एग्री एंड प्रोसीड यहाँ आपको करना है, और देन फिर आप किस एग्ज़ाम के लिए रिवैल्यूएशन कराना चाह रहे हैं, दिसंबर के लिए कराना चाह रहे हैं, तो दिसंबर वाले पे आपको क्लिक करके अंदर जाना है। और यहाँ पे फिर देखिए, आपको आपका एनरोलमेंट नंबर लिखना है, यहाँ पे प्रोग्राम का कोड सेलेक्ट करना है, और फिर आप क्या चीज़ कराना चाह रहे हैं, रिवैल्यूएशन पब्लिक फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, ये ऑप्शन यहाँ से लेना है। और अर्ली डिक्लेरेशन रिजल्ट के लिए भी ऑनलाइन प्रोसेस होना है, तो ये नेक्स्ट जब आप जून एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरेंगे, और आप अगर जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो वो भी इसी पोर्टल के माध्यम से होगा। तो जो सेकंड चीज़ है वो उसके लिए है।
तो आपको इस तरह से सेलेक्ट करके लॉगिन करना है। तो फ्रेंड्स जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो इस तरह से पूरी डिटेल आपके सामने आएंगी, इसमें आपके पेपर्स आएंगे, कितने नंबर मिले हैं, कब रिजल्ट आउट हुआ है, और इसके बाद फिर आपको यहाँ पे जिस कोर्स का रिवेल्युएशन कराना है, यानी जिसके लिए आप अभी भुगतान करने जा रहे हैं रिवेल्युएशन एंड कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, तो जिस कॉपी के लिए यानी जिस कोर्स के लिए आप ये करना चाह रहे हैं तो सेलेक्ट करना है, एक एक करके आपको ऐड करना है, ठीक है ना। ऐड करेंगे और फिर यहाँ बताना है कि आप इसमें से क्या कराना चाह रहे हैं, केवल रिवेल्युएशन कराना चाह रहे हैं या केवल कॉपी आप चाहते हैं एग्ज़ाम की फ़ोटो कॉपी मिल जाए, या फिर आप दोनों चाहते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये फीस आपकी यहाँ पे डिस्प्ले होने लगी और ये कोर्स आपका आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको अपनी रिक्वेस्ट ऐड करना है तो उसमें बाकी इन्फॉर्मेशन, एग्ज़ाम सेंटर वगैरह की इन्फॉर्मेशन आपको इसमें। तो फ्रेंड्स ये रिक्वेस्ट आपकी ऐड हो गई। अब आपको दूसरा कोर्स लेना है तो अगेन जाइए, दूसरे कोर्स पे जाइए, दूसरा कोर्स लीजिए। अब इस कोर्स के लिए क्या कराना है, आपको केवल रिवेल्युएशन कराना है या फिर फोटोकॉपी लेना है या दोनों लेना है, जो भी करना है यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और देन फिर उसकी फ़ीस आ जाएगी और ऐड रिक्वेस्ट करके आपको इसको ऐड कर देना है। तो इस तरह से आप अपने कोर्सेस ऐड करिए और फिर यहाँ पे इग्नू का जो आइडेंटिटी कार्ड है उसको स्कैन करके अपलोड करना है और सेव करके पेमेंट कर देना है। तो बहुत आसान है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो रूल्स और रेगुलेशन के लिए ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है, इसमें लिखा हुआ है। बड़ी बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर की, और इसके पहले भी हमने इसका वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था। इसीलिए ये वीडियो दोबारा बनाया है क्योंकि उस समय ये लिंक आया नहीं हुआ था, अब ये लिंक मौजूद है, अब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।